इन दोनों नंबर के रेस्पेक्ट में आ, अगर हमें एलसीएम फाइंड करना हो किसका ए और बी का ए और बी का तो 4x और 5x का अगर एलसीएम पता करते हैं तो हमें क्या मिलता है आपका 20x मिल जाएगा x कॉमन है तो आपको x को वन टाइम लिखना है इसमें फैक्टराइजेशन uh, मेथड से करते हैं ना हम लोग पता तो इसमें uh, ये 4 है और ये 5 है और x कॉमन है तो x को वन टाइम लिख दिया हमने फैक्टराइजेशन मेथड से तो एलसीएम uh, ए और बी का कितना है ट्वेंटी जबकि आपको क्या गिवन है दो नंबर्स का जो एलसीएम है ये कितना आपका 180 गिवन है इस क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग तो क्या यहां से हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी एक्स की वैल्यू 180 एट्टी अपॉन ट्वेंटी करेंगे तो कितना आ जाएगा नाइन ठीक है एक्स की वैल्यू जो नाइन आई है उसको हमें आपका पुट करना है और ये बताना है कि स्मॉलर नंबर कौन सा होगा ए और बी में स्मॉलर नंबर की बात करें तो दोनों नंबर एक्स के मल्टीपल की फॉर्म में गिवन है तो स्मॉलर नंबर कौन सा होगा जिसमें स्मॉल नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो यहां पर जो ए है ये हमारा क्या होगा स्मॉलर नंबर फोर एक्स इंटू नाइन इक्वल टू थर्टी सिक्स तो यहां पर आपका ए ऑप्शन थर्टी सिक्स सही हो जाएगा <coughs> तो ये क्वेश्चन समझ में आ गए सभी के uh, पीछे बात नहीं तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमें दो नंबर्स के बीच का रेशियो गिवन था उनका एलसीएम गिवन है तो दोनों नंबर्स को अगर हम एक्स का मल्टीपल मानते हैं क्यों मानना है एक्स का मल्टीपल क्योंकि ये रेशियो का बेसिक है और अगर नंबर्स रेशियो की फॉर्म में गिवन होंगे तो ये किसी कॉमन कांस्टेंट का मल्टीपल होते हैं तो वो नंबर हमने क्या मान लिया कि वो एक्स है तो पहला नंबर फोर एक्स और दूसरा नंबर फाइव एक्स अगर इन दोनों नंबर का हम एलसीएम पता करते हैं तो हमें ट्वेंटी एक्स मिलता है जो कि आपका किसके इक्वल है वन एट्टी के ये क्वेश्चन में हमें गिवन था अब x की वैल्यू यहां से फाइंड की कितनी आ गई नाइन x की वैल्यू आ गई तो स्मॉलर नंबर अगर पूछा गया है, तो वो आराम से पता कर सकते हैं और अगर आपसे उन नंबर्स का एच सी एफ पूछा जाता तो फोर एक्स और फाइव एक्स का जो एच सी एफ होगा ये क्या होगा आपका x ही तो होगा ये x होगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी नाइन अब इस क्वेश्चन में एच सी एफ नहीं पूछा गया था तो अगर नॉर्मली अगर एस सी एफ पूछा जाता है तो उसका भी आप आंसर कर सकते हो यहां से ये सबको समझ में आ रहा है क्लियर है ठीक है अब इसके आगे सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं पीछे अब इसमें सेकंड वाले क्वेश्चन में ये गिवन है लेंथ एंड ब्रिथ ऑफ आ रूम आर 13 मीटर एंड 7.5 मीटर तो एक रूम है रूम को चलो हम लोग अगर ड्रॉ करें तो उसकी लेंथ कितनी दे रखी है आपका 13 मीटर तो इस तरह से आपका uh, 13 मीटर आपका रूम की क्या होगी लेंथ और ये uh, 7.5 मीटर क्या दे रखी उसकी है उसकी बिट्स गिवन है अब इसमें अगर स्क्वायर टाइल लगानी है तो कुछ इस तरह से आपका टाइल स्क्वायर लगेंगी इस तरीके से स्क्वायर टाइल यहां पर आपका अरेंज की जाएंगी ऐसे करके ठीक है स्क्वायर टाइल आपका लगाई जाएंगी ठीक है और हमें ये काउंट करके बताना है हमें ये बताना है इसमें कि जो स्क्वायर टाइल यहां पर यूज हो रही है स्क्वायर टाइल की अच्छा प्रॉपर्टी क्या होगी कि उसकी लेंथ और बिथ क्या होगी एक दूसरे के इक्वल होगी लेंथ और बिट क्या होगी एक दूसरे के इक्वल तो हमें यह बताना था कि वाट मे बी द लार्जेस्ट साइड ऑफ टाइल तो जब भी लार्जेस्ट की बात करता है इस तरह के क्वेश्चन में लार्जेस्ट की बात की जाएगी तो यहां पर हमें नॉर्मली फाइंड क्या करना पड़ता है एच सी क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो हमें हाईएस्ट साइड ही तो बतानी है उसकी तो यहां हमें जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है एच सी किसका लेंथ और बिट्स का एच किसका लेंथ और बिट्स का तो यहां पर एच सी एफ लेंथ और बिट्स की बात करेंगे तो लेंथ कितनी गिवन है आपको थर्टीन मीटर और बिट्स कितनी गिवन है सेवन पॉइंट फाइव पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आपका टेन आ जाएगा इसको अगर हम सिंपलीफाई करते हैं तो ये नंबर्स आपके क्या मिलते हैं आपको थर्टीन uh, कॉमा ये आपका फाइव से अगर इसको कैंसिल किया तो ये फिफ्टीन अपॉन में कितना आ गया टू फिफ्टीन अपॉन टू अब ये नंबर्स जो हैं आपके फ्रैक्शन की फॉर्म में हैं और फ्रैक्शन की फॉर्म में अगर हमें एच पता करना है तो एच हम कैसे पता करते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में एच सी एफ ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडिनेटर तो जब भी हमें एच सी एफ पता करना होगा फ्रैक्शन के रेस्पेक्ट में तो ऊपर हम क्या फाइंड करते हैं एच सी एफ किसका एच सी एफ न्यूमरेटर का और उसको डिवाइड कर देंगे किससे एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर से ठीक है इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है जब भी एस सी एफ फाइन करेंगे ऊपर एस सी एफ रखना है नीचे आपको एल्सीयम रखना है और अगर एल्सियम फाइंड करना है फ्रैक्शन का तो ऊपर एल्सीयम और नीचे एस सी एफ न्यूमिनेटर वाली चीज न्यूमरेटर में रहेगी और डिनोमिनेटर वाली डिनोमिनेटर में रहेगी अगर हम एच सी एफ की बात करते हैं डिनोमिनेटर में तो थर्टीन और फिफ्टीन का एच सी एफ कितना आएगा वन क्योंकि इनके बीच में एक ही कॉमन फैक्टर है वन तो यहाँ पर वन आ गया और अगर एल्सीियम ऑफ डिनोमिनेटर की बात करेंगे तो एल्सीयम कितना आ जाएगा ये यह यहाँ पर अगर हम वन कंसिडर करते हैं तो वन और टू का एल्शियम टू आ गया वन को जब टू से डिवाइड किया तो ये कितना जीरो पॉइंट फाइव मीटर तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा बी ऑप्शन जीरो पॉइंट फाइव मीटर तो इसको नोट कर लीजिए फिर इसके आगे क्वेश्चन पे चलते हैं सबसे पहले इसमें इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे यहां पर आपको नंबर जो है वो वेरिएबल्स के टर्म में गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर और एक्स क्यूब माइनस बाई क्यूब अब इसमें सबसे पहले अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को अगर हम सॉल्व करें अच्छा नंबर्स के रेस्पेक्ट में या फिर कोई भी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में एल्जेवरिक फंक्शन के रेस्पेक्ट में अगर हमें एलसी में पता करना पड़ जाता है तो नंबर्स के लिए तो नॉर्मल हम लोग टेबल बना के भी सॉल्व कर लेते हैं उसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व जब आपको करना है जब आपको एल्जेवरिक फंक्शन टाइप से गिवन होंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस को अगर हम ब्रेक करते हैं तो ये क्या आएगा आपका एक्स माइनस मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस बाई इस तरीके से आ जाएगा अब इसी फॉर्म में अगर हम एक्स क्यूब माइनस बाई क्यूब को अगर हम ब्रेक करें तो एक्स क्यूब माइनस बाई क्यूब की क्या वैल्यू होती है एक्स माइनस बाई मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर ये शायद आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा

और लास्ट में आपका क्या कॉमन मिला वन तो ये लास्ट में हमें क्या कॉमन मिला वन तो आंसर इसका क्या आएगा एक्स माइनस बाई तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ये सही हो जाएगा तो इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा एक्स माइनस बाई अगर आप इनके फॉर्मूले को अगर आप विजुलाइज कर पा रहे हैं तो सीधे आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है इसमें आप पहले ही समझ जाएंगे कि एक्स माइनस बाई इन दोनों में कॉमन आएगा अब इसमें अगर इनका एलसीएम फाइंड करना पड़ जाता तो एलसीएम के केस में इसको तो हमें आपका वन टाइम लेना पड़ता साथ में ये दोनों वैल्यू भी हमें कंसीडर करनी पड़ती तो वहां पर आपका जो एलसीएम होता वो एलसीएम आपको कुछ ये मिलता एक्स माइनस बाई मल्टीप्लाई में ये एक्स प्लस बाई और साथ में आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर ठीक है इसको अगर सिंप्लीफाई करना चाहते तो ऐसे लिख सकते थे एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर और साथ में आपका ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर इस तरह से इसको हम लोग लिख देते अगर एलसीएम फाइंड करना पड़ जाता तो ठीक है तो फैक्ट्राइजेशन uh, मेथड से हमें एलसीएम और एस का पता करना होता है जब uh, जो आपके नंबर्स होंगे या तो वो आपका एलजेबरिक फंक्शन के फॉर्म में गिवन होंगे या आपको वो रूट की या इरेशनल नंबर की फॉर्म में गिवन होते हैं तो उसके रेस्पेक्ट में हमें जब भी फाइंड करना पड़ेगा एलसीएम और एस तो इस तरीके से हम पता कर लेंगे ये सभी के समझ में आ गया इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा बी वाला ऑप्शन कितने लोगों का सही था यह ये वाला इसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में जीरो पॉइंट सेवन जीरो पॉइंट सेवन कई सारे दिखाई दे रहे हैं अब इस क्वेश्चन में जब इसको सॉल्व करना है तो हमारा कौन सा प्रिंसिपल वर्क करेगा वॉर्ड मास का प्रिंसिपल ठीक है बॉर्ड मास वाले प्रिंसिपल से जब सॉल्व करते हैं तो पहले हमें किसको सॉल्व करना है डिविजन को तो जीरो पॉइंट सेवन मल्टीप्लाई बाय जीरो पॉइंट सेवन प्लस में जीरो पॉइंट सेवन और यहां पर जब आपका जीरो पॉइंट सेवन को डिवाइड करेंगे किससे सेवन से तो ये कितना आएगा आपका वन अपॉइंट टेन जीरो पॉइंट वन जिसको लिखेंगे तो यहाँ पर जीरो करेंगे तो ये कितना दोनों को करेंगे, तो कितना आएगा जीरो पॉइंट फाइव नाइन तो इसका जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा बी ऑप्शन जीरो पॉइंट फाइव नाइन कंफ्यूज करने के लिए कई सारे ऑप्शन है इसके नियर बाई भी दे रखे हैं पॉइंट में मिस्टेक करोगे तो वहां गलती हो जाएगी इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या सेकंड ऑप्शन जीरो पॉइंट फाइव नाइन ये सभी के समझ में आ गया ये तो सबका सही होगा लगभग इसके बाद थर्ड वाले क्वेश्चन पे चलते हैं ठीक है uh, थर्ड वाला क्वेश्चन पिछले वाले uh, जो आपका स्लाइड में क्वेश्चन कराया गया था उसी के सिमिलर है बस आपको यहाँ पर एच गिवन है एच कितना है इन नंबर्स का सेवन uh, तो नंबर्स अगर हमने कंसिडर किए कौन से ए बी और सी किस रेशियो में गिवन है ये वन रेशियो फाइव रेशियो फोर तो इसको अगर वन एक्स कंसिडर किया तो ये फाइव एक्स और ये फोर एक्स एच क्या होगा इन सब में जो कॉमन फैक्टर होता है वो क्या होता है एच तो यहां पर जो एच की वैल्यू है वो किसके इक्वल है एक्स के ठीक है और ये किसके इक्वल आ रही है आपका यहां पर क्वेश्चन में गिवन है सेवन आपको क्या फाइंड करना है व्हाट इज द एलसीएम ऑफ दो नंबर तो इनमें अगर हम एलसीएम फाइंड करते हैं किसका वन एक्स फाइव एक्स और फोर एक्स का तो इनका एलसीएम कितना होगा फोर फाइवेंटी एक्स एक्स सब में कॉमन है तो ये कितना आएगा ट्वेंटी इन आएगा अब x की जगह हम कितना रख देंगे सेवन तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा वन फोर्टी तो इसमें जो आंसर मिलेगा वो क्या मिल जाएगा डी ऑप्शन वन फोर्टी ये बात सभी के समझ में आ रही है एक चीज जो आपको याद रखनी है कि थ्री नंबर्स के रेस्पेक्ट में थ्री नंबर के रेस्पेक्ट में कभी भी वो फॉर्मूला नहीं लगाना है आपको कि एलसीएम एस का मल्टीपल नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है वो टू नंबर्स के रेस्पेक्ट में ही केवल वैलिड है तो यहां पर उस फॉर्मूले से हम लोग फाइंड नहीं करेंगे तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा डी ऑप्शन वन इसमें कोई डाउट है क्लियर सबको ये किस किस का सही था ये वाला आंसर इसका आगे इसमें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में तो जब भी हमें uh, इस तरह के क्वेश्चन कभी दिए जाते हैं तो यहां पर सबसे पहले हमने इक्वेशन को लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस का सेवन एक्स और ये प्लस का वन इक्वल टू जीरो के है ठीक है अब वैल्यू जो फाइंड करनी है वो किसकी फाइंड करनी है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की अब ये वैल्यू जो है ये कब हमें मिलेगी जब हम एक्स प्लस अपॉन एक्स का स्क्वायर कर देंगे या एक्स माइनस वन का स्क्वायर कर देंगे तो हमें क्या मिलता है प्लस प्लस अपॉन और में में माइनस आपका टू आता है तो आ, सबसे पहले आपको क्या करना है इसको एक्स प्लस अपॉन एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए आप क्या करोगे यहां पर एक्स स्क्वायर आपने रहने दिया ये प्लस वन आपने इसी साइड रहने दिया सेवन एक्स को उठाकर इधर ले गए तो ये प्लस का सेवन एक्स हो गया ठीक है अब इसमें दोनों साइड में हमने क्या किया एक्स से डिवाइड कर दिया यानी कि वन अपॉन एक्स से दोनों साइड में हमने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया इस तरह से ठीक है तो ये कितना बन जाता है ये एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बन गया और ये किसके इक्वल आएगा सेवन के अब एक्स प्लस वन अपॉन एक्स ये सेवन के इक्वल आ गया अब हमारे लिए इसका आंसर फाइंड करना आसान है, है? ठीक पिछले वाले क्वेश्चन को जब हमने सॉल्व फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर आपको फिर इसको सॉल्व करते हुए इसके आंसर पर पहुंचना है अब फाइंड करना आसान है हमारे लिए एक्स प्लस वन का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा आपका एक्स स्क्वायर

तो तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ऑप्शन लास्ट वाले क्वेश्चन फिर से एक बार समझ लो इसको कैसे करना है इसमें वैल्यू को फाइंड करना है तो सबसे पहले एक्स स्क् माइनस सेवन एक्स प्लस वन को हमने कन्वर्ट किया एक्स प्लस एक्स की फॉर्म में

X square को X से डिवाइड किया बचेगा और ये one upon X किसके दोनों तरफ स्क्वायर इस, करके इसमें टू को इधर लेकर जाएंगे तो फोर्टी नाइन माइनस टू कितना फोर्टी सेवन ये सभी के समझ में आ गए क्वेश्चन चारों क्वेश्चन क्लियर है इस तरह का क्वेश्चन चांसेस है कि आपका एग्जाम में देखने को मिल जाए ठीक है चलिए इसके आगे चलते हैं फिर Uh, चलिए इसमें सबसे पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं uh, इसमें ये गिवन है फोर बाई फोर बाई फाइव पार्ट ऑफ बकेट फिल्स इन वन मिनट तो यहां पर uh, आप फिल कर रहे हैं वन uh, मिनट की बात करेंगे तो वन मिनट का मतलब क्या है इसमें uh, जैसे फोर अपॉन फाइव पार्ट हम फिल कर रहे हैं वन मिनट ठीक है अगर हम बात करते हैं फोर अपॉन फाइव पार्ट की तो ये वन मिनट में फिल होता है ठीक है ये क्वेश्चन में गिवन है इन हाउ मेनी मिनट द रेस्ट पार्ट ऑफ बकेट विल बी फिल्ड तो रेस्ट ऑफ पार्ट की अगर बात करते हैं तो वन में से अगर हम माइनस वन में से माइनस कर देंगे फोर अपॉन फाइव को तो हमें रेस्ट ऑफ पार्ट पता लग जाएगा टोटल uh, जो हमने कंसिडर किया है आपका वो कितना कंसिडर किया है वन यूनिट जो टोटल वकेट का आपका कंप्लीट पार्ट है वो वन यूनिट है उसमें फिल हो तो कि होगा ठीक है अब फोर अपॉइन फाइव पार्ट है वो वन मिनट में फिल होता है तो जो कंप्लीट uh, पार्ट है वन पार्ट वो कितने मिनट में फिल होगा फोर अपॉइन फाइव से अगर वन पर जाएंगे तो क्या आएगा आपका इसमें uh, वन मल्टीप्लाई में फोर अपॉन फाइव सॉरी फाइव अपॉन फोर डिवाइड में आएगा ना हाँ तो ये क्या आ जाएगा आपका फाइव अपॉन फोर ठीक है इस तरह से तो कंप्लीट uh, पार्ट है वो कितने मिनट में फिल हो रहा है आपका फाइव अपॉन फोर मिनट में ठीक है आपको लेकिन कितने पार्ट का पता करना है वन अपॉन फाइव पार्ट का वन अपॉन फाइव पार्ट है वो कितने मिनट में फिल होगा तो यहां पर वन मल्टीप्लाई बाय फाइव अपॉन फोर इंटू वन अपॉन फाइव फाइव से फाइव कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना आएगा वन अपॉन फोर मिनट ठीक है तो अगर सेकंड में आंसर गिवन होता तो उसको सेकंड में फाइंड कर लेते सिक्सटी से मल्टीप्लाई करके

अब आपको वन अपॉन फाइव पार्ट के लिए बताना था तो मल्टीप्लाई वन अपॉन फाइव से कर दिया फाइव से फाइव कैंसिल हो गया तो वन अपॉन फोर मिनट और अगर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो इसका कितना आ जाएगा फिफ्टीन सेकंड सिक्सटी डिवाइड बाय फोर फिफ्टीन सेकंड ठीक है तो इसमें जो आंसर आएगा वो क्या आएगा बी ऑप्शन कितने लोगों का सही था इसका आंसर इसके बाद लास्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चले तो यहां पर यह बताना था कि कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटेस्ट है तो जब भी फ्रैक्शन के रेस्पेक्ट में हमें ग्रेटेस्ट या लोएस्ट पता करना होता है तो उसके लिए नॉर्मली अगर डिवाइड करके देखेंगे तो फिर आपके अगर लार्ज फ्रैक्शन गिवन होंगे तो उनको डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल होता है या फिर जो नियर बाय फ्रैक्शन होते हैं उनको भी डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल होता है तो इस केस में हमें क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करके पता करना होता है सबसे पहले हम कंपेयर कर रहे हैं किसको ए और बी को ए और बी में आपका फ्रैक्शन क्या है थ्री अपॉन फाइव और यहां पर कितना है फाइव अपॉन एट इनका हमें क्या करना है क्रॉस में मल्टीप्लाई ठीक है थ्री का एट में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू uh, कितनी आएगी ट्वेंटी फोर ठीक है ये ट्वेंटी फोर वैल्यू किसकी है आपका इस वाले फ्रैक्शन की क्योंकि यहां पर न्यूमरेटर हमने कंसिडर किया है पहले वाले फ्रैक्शन का जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर कंसिडर करेंगे उसी के सामने उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करके लिख देना है तो यहां पर कितना आ जाएगा एट इंटू थ्री आपका ट्वेंटी फोर और फाइव इंटू फाइव कितना आ जाएगा ट्वेंटी फाइव अब अगर इन दोनों फ्रैक्शन को कंपेयर करना होता तो ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कौन सा होता आपका ये फाइव अपॉन एट क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है आपका 25 तो ये ग्रेटेस्ट है किससे आपका 24 से अब ये पता लग गया अब इसको आगे फर्दर कंपेयर करना है किससे 7/11 से तो यहां पर 5/8 को जब 7/11 से कंपेयर करते हैं तो हमें क्या करना है इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरीके से कर लेना है 11 5 जा कितना आएगा 55 और सेवन uh, एट जा कितना आएगा फिफ्टी सिक्स अब हमें पता लगा कि फिफ्टी सिक्स वाली वैल्यू क्या है ग्रेटर है तो इसके सामने वाला फ्रैक्शन सेवन अपॉन इलेवन ये क्या हो जाएगा ग्रेटर हो जाएगा किससे फाइव अपॉन एट से अभी हमने इन तीनों को कंपेयर किया है ठीक है इसके बाद सेवन अपॉन इलेवन को हम कंपेयर करेंगे किससे एट अपॉन थर्टीन से तो इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरीके से ठीक है तो uh, ये कितना आ जाएगा थर्टीन सेवन जा नाइनटी वन और इलेवन एट जाट अब हमारी जो वैल्यू आएगी वो 91 यानी कि 7 अपॉन इलेवन वाले फ्रैक्शन की क्या हो जाएगी ग्रेटर हो जाएगी किससे 8 अपॉन थर्टीन से तो इन सब में कौन सा फ्रैक्शन है जो कि सबसे ग्रेटेस्ट होगा ये सी वाला ऑप्शन ये बात सभी के समझ में आ रही है इससे हम लोग बड़े आसानी से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर भी पता कर सकते हैं फ्रैक्शन के रेस्पेक्ट में ठीक है तो आपको इसमें करना क्या है कि जो भी फ्रैक्शन को आप कंपेयर करते हो उसमें आपको मल्टीप्लाई करना है क्रॉस में और ये ध्यान रखना है कि जिसका न्यूमरेटर यूज होगा मल्टीप्लाई होने के बाद उसकी जो वैल्यू उसके नीचे लिखनी है तो 8 जा कितना आया 24 तो 24 को 3 5 के नीचे लिख दिया आगे 5 5 जा 25 तो इसको आपका 5 upon 8 के नीचे लिख दिया तो ये वाली वैल्यू क्या है ग्रेटर है किससे 24 से तो हमें पता लगा कि इन दोनों में से 5 8 क्या है आपका ये बड़ी वैल्यू है

तो आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी पर बेस्ड है कि कई सारे फ्रैक्शन गिवन है उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है ठीक है तो इसको पहले आप नोट कर लो <coughs> इन दोनों क्वेश्चन में हमें जो गिवन है उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है ठीक है असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है डिसेंडिंग में भी लगा सकते हैं उसी के रेस्पेक्ट में सबसे पहले जब भी आपको फ्रैक्शन गिवन होता है तो आपको यह देखना है कि वो प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है अगर इसमें बात करें न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है डिनोमिनेटर से कम है ठीक है देखो जब भी न्यूमरेटर की वैल्यू लेस होगी किससे डिनोमिनेटर से तो वो क्या होता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन ठीक है प्रॉपर फ्रैक्शन और सेकंड वाले क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं तो यहां पर न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है ग्रेटर है किससे डिनोमिनेटर से ग्रेटर है किससे डिनोमिनेटर से तो ये क्या होता है आपका इम फ्रैक्शन इमप्रॉपर फ्रैक्शन ठीक है सबसे पहली चीज ये हमें समझना जरूरी है कि कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन है और कौन सा इमर फ्रैक्शन जब भी आपको प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन होगा जब भी आपको प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन होगा और और उस केस में uh, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का जो डिफरेंस है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस अगर सेम आता है जैसे यहां पर टू का डिफरेंस यहां भी 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 टू का डिफरेंस तो अगर डिफरेंस सेम है किसके केस में प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में तो अगर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है या लार्जेस्ट या लोएस्ट फ्रैक्शन पता करना है तो उसके लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसके लिए करना क्या है कि जिस प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर आपका क्या होगा ग्रेटेस्ट होगा वो क्या होगा सबसे लोएस्ट फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन क्या है सबसे लोएस्ट है तो अगर असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा आपका सबसे लोएस्ट आपका स्मॉल से लार्ज की तरफ जाएंगे हम लोग तो इसमें सबसे जो स्मॉल फ्रैक्शन होगा वो कौन सा होगा जिसका न्यूमरेटर सबसे लार्जेस्ट होगा बात समझ में आ रही है तो यहां पर जो आपका असेंडिंग ऑर्डर में जब इसको लगाते हैं तो सबसे पहले आपका कौन सा नंबर आएगा सेवनटीन अपॉन नाइनटीन तो सेवनटीन अपॉन में क्या आ गया नाइनटीन आ गया अब सेकेंड नंबर पर कौन सा नंबर आएगा इसमें इलेवन तो यहां पर इलेवन अपॉन में कितना आ गया थर्टीन इसके बाद कौन सा नंबर आएगा इसमें नाइन तो यहां पर नाइन अपॉन में कितना इलेवन इसके बाद कौन सा सेवन तो पर सेवन अपॉन नाइन और लास्ट में क्या आएगा आपका फाइव अपॉन सेवन तो फाइव अपॉन सेवन ये सबसे आसान है हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी तो इससे हम असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर पता कर सकते हैं और यह भी बता सकते हैं कि कौन सा लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगा और कौन सा स्मॉलेस्ट लेकिन कंडीशन बस एक ही है कि इन दोनों का डिफरेंस है वो आपका क्या होना चाहिए सेम इन दोनों का डिफरेंस सेम होना चाहिए हाँ बताओ स्मॉल से लार्ज तो ये आपका सबसे स्मॉलेस्ट वाला आपका जो सबसे लार्जेस्ट होगा वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है ना इसमें जो सबसे लार्जेस्ट होगा वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है हाँ असेंडिंग ऑर्डर स्मॉल टू लार्ज ही तो होगा हाँ नहीं ये आप ये आपका रिवर्स दे रखा है ना अच्छा प्रॉपर फैक्शन में कह रहे हो ना हाँ हाँ सॉरी ये डिसेंडिंग ऑर्डर फिर होगा ना सेवनटीन अपॉइंट नाइनटीन हाँ ये हाँ उल्टा लिख दिया ये डिसेंडिंग ऑर्डर है हाँ ये डिसेंडिंग ऑर्डर होगा हाँ इसको डिसेंडिंग ऑर्डर लिख दो ये भी आपका डिसेंडिंग ऑर्डर ठीक है ठीक है तो डिसेंडिंग uh, ऑर्डर में हमें क्या करना है आपका इसमें देखो प्रॉपर फ्रैक्शन के नाम में प्रॉपर है तो प्रॉपर में क्या होगा कि जो uh, जिसका न्यूमरेटर लार्ज होगा वो लार्ज होगा जो न्यूमरेटर uh, आपका स्मॉल होगा वो स्मॉल फ्रैक्शन होगा इसमें सीधे सीधे केस होता है इमप्रॉपर में इसका रिवर्स होता है इमप्रॉपर में क्या होगा कि जो लार्ज है वो क्या होता है आपका जिसमें लार्ज फ्रैक्शन होगा लार्ज न्यूमरेटर होगा वो सबसे स्मॉल होता है और जिसमें सबसे सबसे स्मॉल न्यूमरेटर होगा होगा वो क्या लार्ज हो जाएगा ठीक है अब ये तो था हमारा किसका केस ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको अरेंज कर दिया अब इस वाले फ्रैक्शन को अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि लार्ज टू स्मॉल की तरफ जाएंगे तो सबसे स्मॉल वाला फ्रैक्शन यहां पर कौन सा पड़ेगा सेवन अपॉइंट फाइव हाँ लार्ज टू स्मॉल जाएंगे ना हाँ तो ये सेवन अपॉन में कितना आएगा फाइव ठीक है अब तो ठीक है ना इसके बाद ये सबसे क्या है आपका लार्ज इसमें साइन चेंज करने पड़ेंगे ना हमें हैं डिस हाँ हाँ साइन चेंज करने पड़ेंगे इसमें भी डिसेंडिंग में साइन चेंज करने पड़ते हैं ना ऐसे लिख लेना इसको इस तरीके से ठीक है 11 अपॉन थर्टीन इसके बाद क्या आएगा आपका आ, नाइन अपॉन इलेवन उसके बाद में सेवन अपॉन मै नाइन और इसके बाद में कितना आएगा फाइव अपॉन मै सेवन इस तरीके से ठीक है uh, तो सबसे इसमें अगर डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करेंगे तो सबसे हाईएस्ट फ्रैक्शन कौन सा होगा इसमें सेवन अपॉन फाइव क्योंकि इसका uh, जो न्यूमरेटर है ये क्या है सबसे uh, सबसे कम है इसके बाद सेकेंड uh, नंबर पर कौन सा फ्रैक्शन आएगा सेवन अपॉन फाइव के बाद एलेवन एलेवन अपॉन सॉरी नाइन हाँ नाइन अपॉन सेवन इसके बाद इलेवन अपॉन नाइन नेक्स्ट नंबर पर क्या आएगा इसमें थर्टीन अपॉन इलेवन इसके बाद नेक्स्ट नंबर पर क्या आएगा नाइनटीन अपॉन सेवनटीन ठीक है तो ये आपका आंसर हो जाएगा डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर के रेस्पेक्ट में लेकिन ये केस uh, हमें कब कंसीडर करना होता है जब uh, ये जो आपका वैल्यू जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस है ये दोनों क्या होगा आपका सेम रहेगा ठीक है तो इनको पहले आप नोट कर लीजिए फिर इसके आगे चलेंगे देखो प्रॉपर फ्रैक्शन में जब भी हम प्रॉपर फ्रैक्शन का केस लेते हैं और इन दोनों का जब डिफरेंस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का सेम रहता है ठीक है तो इस केस में जिसका न्यूमरेटर स्मॉल होगा वो क्या होता है आपका स्मॉल फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर लार्ज होगा वो क्या होता है लार्ज फ्रैक्शन किसके केस में प्रॉपर के केस में और इनका डिफरेंस सेम होना चाहिए लेकिन जब भी हम बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में अगर न्यूमरेटर स्मॉल होगा तो वो फ्रैक्शन क्या हो जाता है लार्ज और जिसका न्यूमरेटर लार्ज होगा वो क्या हो जाता है स्मॉल फ्रैक्शन अब फर्स्ट वाले केस में अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है इन सारे नंबर्स को तो हमें किसको चेक करना पड़ेगा न्यूमरेटर को क्योंकि ये सारे आपके क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस भी सेम है तो इस केस में अगर हम बात करते हैं न्यूमरेटर जो डिसेंडिंग ऑर्डर होगा वो क्या होता है लार्ज टू स्मॉल की तरफ तो सबसे लार्ज जो फ्रैक्शन होगा वो कौन सा होगा जिसका सबसे लार्ज न्यूमरेटर होगा यानी कि सेवनटीन अपॉन फर्स्ट प्लेस पर आएगा इसके बाद सेकेंड नंबर पर क्या आएगा आपका इलेवन अपॉन थर्ड नंबर पर क्या आएगा आपका नाइन अपॉइन इलेवन फिर सेवन अपॉन नाइन और सबसे लास्ट में फाइव अपॉइन सेवन तो ये क्या हो जाएगा इनका uh, ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा अगर हम बात करते हैं इन प्रॉपर इन प्रॉपर के फ्रैक्शन के रेस्पेक्ट में अगर इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो यहां पर चीजें रिवर्स हो जाएंगी ठीक है डिफरेंस यहां पर भी सेम है लेकिन अगर न्यूमरेटर स्मॉल है तो उसको हमें कंसिडर करना है लार्ज फ्रैक्शन तो किसका न्यूमरेटर सबसे स्मॉल है यहां पर uh, ये यह सेवन का तो यहां पर सेवन अपॉइंट आ गया इसके बाद सेकंड नंबर पर स्मॉल किसका है इसमें फ्रैक्शन uh, नाइन तो यहां पर नाइन अपॉन सेवन फिर इलेवन अपॉन नाइन फिर थर्टीन अपॉन इलेवन और सबसे लास्ट में 19 अपॉन सेवनटीन ठीक है तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का केस है ये सभी को समझ में आ गया आगे बढ़े इससे ठीक है तो चलिए इसके आगे हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट uh, के बारे में बात करते हैं